नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। हिंदी सिनेमा में जितनी फिल्में हर साल बनती हैं, उससे कहीं ज्यादा किस्से यहाँ बनते हैं। इन किस्सों से ही सिनेमा सांसें लेता है और इसके दर्शक पाते हैं अपने मनोरंजन की वो सामग्री जो सिनेमा घरों के बाहर आने के बाद भी उनका रिश्ता उनके चहेते सितारों से जोड़े रखती है। अब तो खैर तमाम सर्च इंजन आ गए हैं इंटरनेट पर और आप जब चाहें जो चाहें अपनी तबीयत के हिसाब से और अपने वक्त के हिसाब से आराम से अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा पर हिंदी में उतना लिखा नहीं गया है जितना आपको हिंदी सिनेमा पर अंग्रेजी में लिखा मिल जाएगा। इसीलिए मनोज की फिल्मी दुनिया इसी फासले को थोड़ा कम करने की एक कोशिश है। पिछली सदी के 8वें, 9वें और आखिरी दशक की चर्चित फिल्मों की इस सीरीज में आज बात होनी है प्रकाश मेहरा की फिल्म घुंघरू की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म घुंघरू के पोस्टर में भले ही आपको फिल्म के नाम के ऊपर प्रकाश मेहरा का नाम लिखा दिखाई दे जाए, लेकिन इसके बारे में तलाशने निकलेंगे तो शायद बतौर निर्माता प्रकाश मेहरा की बनाई फिल्मों में इसका नाम आपको ना मिले। और वो इसीलिए क्योंकि इस फिल्म में प्रकाश मेहरा ने तमाम सारी बंदूकें अपनी बीवी नीरा मेहरा के कंधे पर रखकर चलाई हैं। ये फिल्म प्रकाश मेहरा के कैरियर की बतौर निर्देशक दो आखिरी सुपरहिट फिल्मों के बीच में रिलीज हुई फिल्म है। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल के साथ प्रकाश मेहरा की बनाई फिल्म नमक हलाल रिलीज हुई 1982 में और 1984 में आई थी प्रकाश मेहरा की अमिताभ बच्चन और जया प्रदा स्टारर फिल्म शराबी। इन दो सुपरहिट फिल्मों के बीच प्रकाश मेहरा ने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म अपनी कंपनी प्रकाश मेहरा कंबाइंस के बैनर तले बनाई थी, नाम था घुंघरू। फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने अपने सहायक राम सेठी को सौंपा, जिन्हें पर्दे पर आप प्रकाश मेहरा की तमाम फिल्मों में कॉमेडी करते देख चुके हैं। प्रकाश मेहरा के इस बड़प्पन की सिनेमा हमेशा दाद देता रहेगा कि उन्होंने अपने सहायकों को निर्देशक बनाने के लिए खुद फिल्में बनाई। फिल्म घुंघरू बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये फिल्म नमक हलाल के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल के साथ ही बननी थी, लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन के साथ कुली के सेट पर हादसा हो गया और वो लंबे समय तक किसी फिल्म की शूटिंग करने लायक नहीं रहे। प्रकाश मेहरा तमाम सितारों की तारीखें ले चुके थे। शशि कपूर और स्मिता पाटिल से प्रकाश मेहरा ने अपनी दिक्कत का जिक्र किया तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की जगह किसी दूसरे सितारे को लेने पर भी फिल्म में बने रहने पर रजामंदी जता दी। प्रकाश मेहरा ने यहाँ दांव चला उस समय के उभरते सितारे सुरेश ओबेराय पर। सुरेश ओबेराय फिल्म नमक हलाल में अर्जुन सिंह यानी अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभा चुके थे। प्रकाश मेहरा ने उन्हें ही अमिताभ बच्चन वाला रोल फिल्म घुंघरू में सौंप दिया। सुरेश ओबेराय को इतना बड़ा मौका मिला तो उन्होंने अपनी मूछें तक इस रोल के लिए कुर्बान कर दी। सुरेश ओबेराय से गलती यहाँ बस इतनी हो गई कि वो ये उपलब्धि पचा नहीं पाए और फिल्म रिलीज होने से पहले ही वो खुद को अगला अमिताभ बच्चन समझ बैठे। फिल्म में सुरेश ओबेराय स्मिता पाटिल और शशि कपूर का प्रेम त्रिकोण है। वहीदा रहमान नमक हलाल में भी थी, यहाँ भी है। नमक हलाल में वो शशि कपूर की देखरेख करती हैं, यहाँ शशि कपूर उनके गोद लिए बेटे विक्रम बने हैं जिन्हें एक तबायफ केसर से प्यार हो जाता है। रानी माँ के खुद माँ बनने के बाद विक्रम को रियासत की देखरेख की जिम्मेदारी मिलती है। केसर और विक्रम का विवाह नहीं हो पाता। केसर चली जाती है सूरज के साथ और वहाँ विक्रम की बेटी को जन्म देती है। रानी माँ का असली बेटा कॉलेज में जिस खूबसूरत सी लड़की के प्यार में गिरफ्तार होता है वो केसर और विक्रम की बेटी है। वफादार विक्रम तो रानी माँ का कहना मान गया था लेकिन बेटा नहीं मानता। फिर साजिशें रची जाती हैं, फिर मोहब्बत का कत्ल करने का षड्यंत्र बुना जाता है, लेकिन इस बार सूरज सर पर चढ़ाता है।
फिल्म घुंघरू का नमक हलाल और शराबी के बीच में रिलीज होना ही इस फिल्म की इकलौती कमजोर कड़ी रही। जैसे प्रकाश मेहरा के काबिल असिस्टेंट राकेश कुमार ने फिल्म खून पसीना में प्रकाश मेहरा का नाम रोशन किया था, वैसा कारनामा राम सेठी तो नहीं दिखा पाए, लेकिन फिल्म उन्होंने भी ठीक ठाक सी और काफी मनोरंजक बनाई। फिल्म की जान है स्मिता पाटिल और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रेखा वाला रूप दोहराकर स्मिता पाटिल ने केसर के रूप में अपनी खुशबू जमाने भर में महकाने में कामयाबी पाई। फिल्म की एक कमजोर कड़ी ये भी है कि इसकी पटकथा बिल्कुल जाने पहचाने ढर्रे पर चलती है और एक आम दर्शक भी बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिल्म को अब भी देखो तो ये बोर नहीं करती। इसकी स्पीड ऐसी है कि एक के बाद एक कुछ न कुछ होता रहता है और कहानी भागती रहती है। फिल्म घुंघरू का म्यूजिक यादगार रहा तो इसीलिए कि इसमें कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म का निर्देशक नया होते हुए भी प्रकाश मेहरा की वजह से पूरी मेहनत की और कहीं कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी। प्रभा ठाकुर का लिखा गीत तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, आपको फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गाने सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो की याद दिला सकता है। इसके अलावा फिल्म में प्यार के धागे, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर आदि बेहद खूबसूरत बन पड़े हैं। प्रभा ठाकुर के इस फिल्म के लिए गाना लिखने की भी एक दिलचस्प कहानी प्रकाश मेहरा ने एक बार सुनाई थी, वो फिर कभी। अभी के लिए इतना काफी है कि प्रभा ठाकुर का राजस्थान की राजनीति में काफी दबदबा रहा है और वो कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं। फिल्म घुंघरू में स्मिता पाटिल ने फिर एक बार ये साबित किया कि कमर्शियल सिनेमा के लिए भी वो उतनी ही फिट है जितनी तारीफ उनकी उन दिनों आर्ट फिल्मों के लिए होती थी। स्मिता पाटिल की ख्वाहिश थी कि फिल्म घुंघरू में जो किरदार पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे वो उनके मना करने पर राज बब्बर करें, लेकिन राज बब्बर और प्रकाश मेहरा के बीच तारीखों को लेकर शायद सहमति नहीं बन सकी और वो ये फिल्म नहीं कर सके। दिलचस्प तथ्य यहाँ ये भी है कि राज बब्बर ने ही फिल्म नमक हलाल के लिए स्मिता पाटिल के नाम की सिफारिश की थी। स्मिता पाटिल के बारे में यही कहा जा सकता है कि कमर्शियल सिनेमा में जब वो तेजी से नंबर वन की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ रही थी तभी वो एक बच्चे की माँ बनने का फैसला ले बैठी और इस बच्चे की जान बचाते बचाते अपनी जान देकर दुनिया छोड़ गई। फिल्म में शशि कपूर, स्मिता पाटिल के अलावा जिस शख्स ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी वो थे अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। फिल्म में सुपरस्टार मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी, उनकी प्रेमिका बनी कोमल महुआकर, पद्मनी कपिला, रंजीत और पूनम सिन्हा भी हैं। कुणाल गोस्वामी उन दिनों नीरा मेहरा के खास हुआ करते थे और नीरा मेहरा को कुणाल काफी पसंद भी करते थे। फिल्म घुंघरू ने प्रकाश मेहरा का नाम जुड़ा होने के चलते भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये फिल्म जब बननी शुरू हुई तो इसका नाम प्रकाश मेहरा ने प्यार के धागे रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर उन्होंने रख दिया घुंघरू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।